वेलकम टू माय चैनल केक्स बाय विनोद। कुछ इश्यूज़ की वजह से मैंने अपना चैनल का नाम चेंज नहीं किया है, वो विनोद पीवी ही रहेगा। तो आप ऑरली समझ जाए कि मेरा चैनल का नाम केक्स बाय विनोद है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बटर स्कॉच केक विथ फ्लॉन डिज़ाइन। तो पहले हम केक कट कर लेंगे लेयरों में। ये 5 इंच का केक है, तो हम ये बिना बेस के दिखा रहे हैं और हम चाकू से नहीं धागे से काट रहे हैं। तो ये 3 लेयर में हो गए। हम इसमें सिरप डाल देते हैं। आप चम्मच से भी सिरप डाल सकते हैं, मैंने बॉटल का इस्तेमाल किया है। 2nd लेयर में डाल देते हैं। हम 2 बार इसमें सिरप सोकिंग करेंगे। 3rd लेयर मीन्स लास्ट वाला। ये हो गया पूरा, तो ये सोकिंग हो गया है। अब मैं अपना 1st लेयर रखूँगी टर्निंग टेबल पे और सिर पे सोक कर दूँगी। अब इसमें व्हिपिंग क्रीम डाल देते हैं ऊपर, अब इसे लेवल कर लेंगे। इसमें फिलिंग भी बहुत अच्छा है। ये रहा हमारा फिलिंग, ये बहुत टेस्टी है। इसमें शुगर मेल्ट कर दीजिए पूरा और फिर इसमें पिस्ता या फिर आप जो डालना चाहें वो डाल दीजिए, लेकिन नटी होना चाहिए। और फिर ये हमारा बटरस्कॉच सॉस है। अगर आपको बनाना नहीं आता तो हम इसका वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे। फिर हम अपना 2nd लेयर रखेंगे, इसका भी सोकिंग कर देंगे अच्छे से। 2-2 बार सोकिंग करने से केक अच्छा मॉइस्ट होता है। अब इसमें भी हम ऊपर में व्हिपिंग क्रीम डाल देंगे और इसे अच्छे से लेवल कर लेंगे। ये लेवल कर रहे हैं हम। हमने लेवल कर लिया है, लेवल है। अब इसमें भी हमने अपना फिलिंग और बटरस्कॉच सॉस लगा दिया है। अब हम अपना लास्ट लेयर रख रहे हैं। लास्ट लेयर हमने इसे रख दिया है। अब इसमें भी हम सोकिंग कर लेंगे सिरप से, अच्छी तरीके से सोकिंग कर लेंगे। अच्छी तरीके से सिर्फ सोकिंग के बाद हम इसमें व्हिपिंग क्रीम डाल देंगे ताकि अच्छे से कोट कर सके। तो फिर हमने एक्स्ट्रा व्हिपिंग क्रीम लिया है, ऐसे हम बीट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा बटर स्कॉच सॉस, ये बहुत ही टेस्टी होता है। हम इसका वीडियो अपलोड कर देंगे। ये हार्ड हो गया है, हार्ड होना चाहिए तब क्या हमारा जब हम केक के ऊपर फिलिंग में डालते हैं तो अच्छे से फैलता है। तो ये हमने बीट कर लिया व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से। सॉफ्ट पिक्स नहीं होने चाहिए इसमें। हमने इसमें बटरस्कॉच एसेंस और शेफ मास्टर का गोल्डन येलो कलर डाल दिया है। लिक्विड कलर भी डाल सकते हैं पर वो थोड़ा सिंथेटिक टेस्ट आएगा उसमें, कड़वापन, तो इसलिए हमने जेल कलर डाला है। अब इसमें हम क्रम कोट करके हल्के से अब उसमें कोट कर दे रहे अच्छे से, थिक कोट। अब हम पैलेट नाइफ से थोड़ा सा लेवल कर देंगे ऊपर, फिर नीचे भी साइड में भी कर देंगे अच्छे से। तो हम साइड में भी लगा लेंगे, लेवल कर देंगे अच्छे से। तो जो व्हिपिंग मतलब व्हिप्ड क्रीम का जो असली कलर है वो ना दिख नहीं रहा है कैमरे पे, थोड़ा क्वालिटी नहीं, वो नहीं दिख रहा है असली वाला, इसलिए असली कलर नहीं दिख रहा क्योंकि बहुत सुंदर है। अब हम थोड़ा सा वो जो फिलिंग है उसको हम सर्कल करके डाल देंगे। ये सर्कल कर लिया हमने। ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए इस समय क्योंकि उधर इधर हो सकता है। अब जो जगह बचा है उसमें भी डाल देंगे हम। ये देखिए हमने डाल दिया है, देखिए साइड में डाल रहे हैं, साइड में। अब हमारा जो सॉस है वो डाल देंगे। हमने थोड़ा लिक्विड कर लिया है इसमें मिल्क डालकर। अगर आपका भी हार्ड हो गया है तो आप मिल्क डालकर उससे थोड़ा सा लिक्विड कर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा जेल कलर डाल दीजिएगा।
फिर हमने डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बॉर्डर दे देंगे अच्छा दिखने के लिए, क्योंकि साइड में हमने डाला नहीं है क्योंकि हमें बॉर्डर देना था उसमें। तो ये देखिए हम बॉर्डर दे रहे हैं, ये बहुत बहुत ही सुंदर दिखेगा, बहुत ही सुंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पूरा बॉर्डर कर दिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। तो कैमरे में ये वाइट कलर दिख रहा है क्योंकि ये आप जानते हैं कि मोबाइल का थोड़ा जो कैमरे का क्वालिटी होता है वो असली कलर नहीं दिखा पाता। तो अब एक तो हम इसमें फ्लॉन्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसे हमने गोल्डन डस्ट से किनारों पर कर दिया है जो एज है। देखिए ये सॉस भी बहुत अच्छे, मेरा हाथ दिख रहा है तो ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है जैसे आप देख सकते हैं। अभी हम नीचे भी बॉर्डर करेंगे वही सेम नोजल से। ये देखिए हमने कर दिया है और हमने प्लेट में से शिफ्ट कर दिया है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।